सीरियल साथ निभाना साथिया में गोपी की जिंदगी नर्क बन गई है। क्या सोचा था और क्या हो गया? इसे तो अच्छा था कि गोपी अकेले ही अपनी जिंदगी काट देती। जी हमने आपको बताया था कि गोपी की सासूमा यानी कोकिला गोपी की जिंदगी में खुशियाँ लाने की उसकी फिर से शादी कृष्णा से करवाती है, पर शादी के बाद गोपी की जिंदगी में खुशियाँ ढूंढने से भी नहीं मिली। दरअसल डॉक्टर कृष्णा के घर में पहले दिन से ही गोपी के ऊपर अत्याचार होने शुरू हो गए। कभी मानसी उसे परेशान करती तो कभी कृष्णा उस पर चिल्ला देता। पर आगे के एपिसोड में आप जो देखेंगे उसे देखकर आपके दिल की धड़कनें भी थम जाएंगी। जी हाँ, जो डॉक्टर कृष्णा कभी गोपी के सामने बात तक नहीं करता था, जो डॉक्टर कृष्णा कभी गोपी से आंखें नहीं मिलाता था, आज वही कृष्णा बन गया है गोपी की जान का दुश्मन। दरअसल होगा ये कि गोपी की सासू माँ गोपी के ससुराल फोन करती है और उन्हें पता चलता है कि गोपी वहाँ नहीं है। ऐसे में वो आग बबूला होकर गोपी के ससुराल के लिए तुरंत निकल जाती है। पर जब तक वो वहाँ पहुँचती, डॉक्टर कृष्णा गोपी को पीछे के रास्ते से अस्पताल ले जाते हैं और वहाँ इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक लगते ही गोपी बेहोश हो जाएगी। हम आपको बता दें कि डॉक्टर कृष्णा के साथ उनके इस कारनामे में मानसी भी शामिल है। मानसी को बेहोश गोपी पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता और वो उसके चेहरे पर पानी डालकर उसे उठाने की कोशिश करती है। हम आपको बता दें कि मानसी गोपी से बदला ले रही है, क्योंकि जब अहम की मौत हुई थी तब मानसी की हालत काफी खराब हो गई थी और उन्हें मेंटल हॉस्पिटल ले जाकर इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था, और इसी बात का बदला वो गोपी से ले रही है। अब क्या गोपी कृष्णा के चंगुल से आजाद हो पाएंगी? क्या कोकिला गोपी को बचा पाएंगी? ये सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें।